रुकते अगली खबर ना, भ्रष्टाचार के मामले में श्री अनंदपुर साहब का नायब तहसीलदार गिरफ्तार किया गया। नायब तहसीलदार रघबीर नू विजिलेंस की टीम ने काबू किया। जो जानकारी मिल रही है कि भ्रष्टाचार के मामले में श्री अनंदपुर साहब के नायब तहसीलदार नू गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक नायब तहसीलदार रघबीर नू विजिलेंस की टीम ने काबू किया। रूपनगर के करूरा पिंड में सरकार के लिए महंगे रेट से जमीन खरीदने के इल्जाम ने रजिस्ट्री में 54 एकड़ दर्शाई गई जमीन का असल रकबा 46 एकड़ निकलिया। सरकारी खजाने 4.8 करोड़ रुपए का चूना लाने के नायब तहसीलदार उत्ते इल्जाम ने जिसके तहत उसकी गिरफ्तारी हुई है। हुण अगे मामले से कार्रवाई की जा रही है। अपने अधिकार खेत्र तो दूसरी जड़ा तहसील के जाके बाहर जाके अपने अधिकार खेत्र तो जिहड़ियां रजिस्ट्रियां इन्होंने रजिस्टर्ड कीतियां इहदे विच हाले तक साढ़े कोल जिहड़े उह पंज दोषी हैगे ने। बाकी जिहड़ा आ तफ्तीश जा रही आ, तफ्तीश दे विच जिहड़ा आ उह दोषी जिहड़े आ वध कर दित्ते गए। इहदे विचों हाले रघवीर सिंह की गिरफ्तारी पई आ नायब तहसीलदार। तहसीलदार साहब नूं अज अदालत मानयोग अदालत विच पेश कीता ते 2 दिन का पुलिस रिमांड जिहड़ा आ हासिल कीता। लीडरशिप सदा भी भेजा गया। इस अलावा साबका जिला प्रधानों भी मीटिंग सद्या गया। संगठन की मजबूती मुतलक चर्चा जड़ी है वो की जाएगी, यह संभावना जताई जा रही है। तो जिस नाल ढांचा जड़ा है भंग किया गया ते किस तरह नाल पार्टी नू मजबूत किया जाए, संगठन की मजबूती होवे, इस नू लेके विचार होने की संभावना है। सुखबीर सिंह बादल की अगुवाई दे विच बैठक रखी गई है। दस दे कि इस नू लेके सीनियर लीडरशिप नू जिथे सद्दा भेजा गया उथे साबका जिला प्रधानों भी मीटिंग दे विच शामिल होने लई कहा गया।